जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं घर में, कि जी आपके घर में जो क्लेश हो रहा है, जिसे हम ग्रह क्लेश कहते हैं, तो वह ग्रह क्लेश का मूल कारण है कि आपका घर जो है एकदम शून्य है, शून्य भूमि। आपके घर में लक्ष्मी भी नहीं रुक पा रही है स्थिर, और स्वास्थ्य में भी बार बार उतार चढ़ाव आ रहा है, और मन भी स्थिर नहीं है आपका। हृदय भी कभी घबराहट होता है, कभी अपने आप ठीक हो जाता है। तन भी आपका स्वस्थ नहीं है, मनोस्थिति भी स्वस्थ नहीं है, और घर में अकाल मृत्यु का भी योग बना हुआ है। इसका मूल कारण है आपका घर, जहां आप रहते हैं, आपका परिवार शून्य हो चुका है। वहां ईश्वर की कृपा प्राप्त होनी चाहिए, और ईश्वर की कृपा जहां प्राप्त नहीं होती है, सूना घर भूतों का राज, यहां प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं। जहां जिस घर जिस परिवार में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है, वहां देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। जब तक उन प्रेत आत्माओं को मोक्ष की गति प्रदान ना हो और ईश्वर की कृपा प्राप्ति ना हो, तो वह परिवार, वह घर सदा क्लेश और भय से मुक्त नहीं हो पाता है। क्लेश रहित रहता है, भय रहित रहता है, रोग रहित रहता है, बाधा रहित रहता है। और ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति आपको हो कि ये बाधा से भी मुक्ति मिले, और रोग से भी मुक्ति मिले, और सुख और सौभाग्य में भी परिवर्तन हो, शुभ फल की प्राप्ति हो, जीवन मंगलमय हो, तब आपको गुरुओं से जुड़ना सार्थक रहेगा। क्योंकि इस संसार में बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, बिना गुरु के सानिध्य के इस संसार सागर से, इस माया से कोई तर ही नहीं सकता बेटे। हाँ, इसीलिए गुरु सानिध्य अति आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुरु सानिध्य और ईश्वर की कृपा पाना हमारे लिए अति शुभ फल लाभकारी होता है, शुभ फलदायी होता है। उसके लिए फिर क्या करना होगा माता हमें? अभी आपका प्रॉपर रहना कहाँ है? सोनीपत सोनीपत में रहते हैं? अच्छा, सोनीपत में काफी भक्त हैं, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, वो सब शिष्य हैं, तो शिष्य मंडल सब गुरु पूर्णिमा को पहुंचते हैं गुरु आश्रम में सिवनी। तो कहाँ कहाँ पे जी? सिवनी, सिवनी जबलपुर के पास सिवनी है। अच्छा जी, तो सिवनी आश्रम, फिर गुरु पूर्णिमा को सभी भक्त पहुंचते हैं और ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते रह रहे हैं, और परम कल्याणकारी जीवन बना रहे हैं अपनी साधना भक्ति से, और दैनिक नित्य कर्म करके अपने परिवार के जीवन रक्षण भी बन रहे हैं, और स्वयं का भी सुधार रहे हैं, परमात्मा के लिए, परमात्मा के घर जाने के लिए साफ भी रास्ता कर रहे हैं। ऐसा है, तो ईश्वर की कृपा होना बहुत जरूरी है। आपके घर में ना भूतों का खंडहर हो गया है, मतलब डेरा कहते हैं जिसे, शून्य भूमि। आप किराए से मकान में भी चले जाएंगे तो भी आपको क्लेश कष्ट दूर नहीं होगा। हाँ, फिर क्या करना चाहिए जी? तो दीक्षा लेकर के इष्ट देवी देवता को, कुल देवी देवता को प्राप्त करके उनकी भक्ति आराधना तो प्रारंभ कर दीजिए। कैसे भूत प्रेत नहीं जाएंगे? देवी देवताओं से बढ़कर के भूत नहीं होते। हाँ, लेकिन जब तक देवी देवताओं का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, तब तक ये आपके जीवन में आतंक मचाते हैं, और भूत प्रेतों के आतंक से देवी देवता भी परेशान रहे हैं, तो फिर तो अपन मनुष्य हैं। लेकिन भक्ति अटल है आपकी, तो फिर वे परास्त हो जाते हैं माँ भगवती की कृपा से। और आप तो ब्रह्मास्त्र विद्या से जुड़े हुए हैं, और माता रानी की जिस दिन आपकी दीक्षा हो जाती है, उस दिन से आप भक्ति प्रारंभ करेंगे। क्रमशः दीक्षा होती है और भक्ति का मार्ग आपको बताया जाता है। अभी तो आपके प्रथम सीढ़ी प्रारंभ हो रही है, भगवत भक्ति की और परमात्मा प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी होती है सत्संग से लेकर के अंतिम सीढ़ी समाधि होती है। परमात्मा प्राप्ति की अंतिम सीढ़ी होती है समाधि। जो मनुष्य अखंड ब्रह्म ध्यान लीन समाधि में लीन हो जाता है, वो भगवत भक्ति का अंतिम चरण होता है। और जहाँ भगवत भक्ति का अंतिम चरण को प्राप्त कर लिया गया, आपका वही नंबर लगा हुआ है, प्रथम और अंत सब वही है। ऐसा है, तो दीक्षा साधना कैसे कैसे शुरू करनी है जी? सबसे पहले दीक्षा लेने का प्रण आप लीजिए। अभी तो और वीडियोस देखिए, जब आपको लगे, आपका मन लगे कि माता आपने जो फलादेश किया हमारे जीवन का पूर्ण सटीक फलादेश है, और इसे हम संतुष्ट हैं, और अब हमको कुल देवी देवता की कृपा चाहिए, और कुल देवी देवता की कृपा के साथ हमारे जीवन को नित्य नया, नित्य मंगलमय हम बनाना चाहते हैं,
आपको जादू टोने का शिकार नहीं बनना है, टोटके का शिकार नहीं बनना है। अगर टोटके करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो साधना भक्ति क्यों करता, मंदिर क्यों जाता।